दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है A06 सैमसंग गैलेक्सी A06। ये आपको बता दूं कि A सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन माना जाता है, जो कि अच्छे कम बजट में लॉन्च करती है, जो मार्केट में तैयार बिल्कुल से। और ये BIS सर्टिफिकेशन मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पर लिस्ट है, यानी कि कंफर्म है कि इंडिया में आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। BIS से पहले वाईफाई एलियंस पर स्पॉट हुआ था, जो काफ़ी कुछ ज़्यादा वहाँ पर फीचर्स रिवील किया गया था, जैसे 6GB रैम और यहाँ पे 2.4 GHz और 5 GHz वाईफाई फीचर्स भी दिए जाने की बात सामने थी। और मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट भी के सामने सारी चीज़ें रख दी गई थी। लेकिन यहाँ पे उसी का अपग्रेड वर्जन है जो कि गैलेक्सी A05 का है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा कुछ कहते हैं कि ना, अभी पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि माना जा रहा है कि ये फ़ोन गैलेक्सी A05 का ही सक्सेसर के तौर पे मार्केट में एंट्री कर रहा है। इसलिए हो सकता है सैमसंग ने इसके जो प्राइस हैं 10,000 रुपये के अंदर रख सकता है, क्योंकि A सीरीज़ है। और कुछ इस तरह से, जैसे कि बता दूं कि इसमें जो डिस्प्ले है IPS LCD फुल HD प्लस के साथ होगा, 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन होंगे और 16 मिलियन कलर का सपोर्ट इसमें है, तो रेजोल्यूशन काफ़ी कुछ ज़्यादा बेहतर है। प्रोसेसर आपको पहले बता दिया मैंने, 2 GHz की मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड पर रन कर रहा है। वेरिएंट की बात करें, 6GB रैम है, हो सकता हो 8GB रैम हो, क्योंकि पहले वेरिएंट में सिंगल वेरिएंट पे लॉन्च किया था और इस बार भी कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड देगा। हालांकि कैमरे की फीचर्स की बात करूं तो बता दूं कि इस डिवाइस में डुअल रियर कैमरे का सेटअप होगा, 50MP का प्राइमरी कैमरा के साथ होंगे, फोकस के साथ मिलता है और ये कंपनी 2MP के साथ हो सकते हैं, और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद हो सकते हैं। पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी है और बाकी इसको चार्ज करने के लिए अभी कुछ समझ में नहीं, मतलब कुछ बताया नहीं है। जहाँ तक अदर फीचर्स की बात करें, सेंसर की प्रॉक्सिमीटर सेंसर है, ब्लूटूथ वाईफाई 3.5mm का मिमी हेडफोन जैक है, डुअल सिम 4G जैसे कई फीचर्स आपको मिलते थे 5 में, इसमें 5G के साथ इंक्लूड किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो तक के लिए, वीडियो को पसंद है जब ये लाइक करना, शेयर करना, मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।